नमस्कार दोस्तों दोस्तों, हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी जीएस एंड जीके की। ठीक है, 6 टेस्ट हो चुके थे और 7वां टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आंसर जो मैं थोड़ा सा पहले बोल जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी में बोल जाता हूँ, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कम समय में वीडियो तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, धन विधेयकों पर प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों पर प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत चयनित होता है? आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत चयनित होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 90, ऑप्शन बी आर्टिकल 92, ऑप्शन सी आर्टिकल 93, ऑप्शन डी आर्टिकल 94। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष चयनित होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संसद का स्वर्ण जयंती समारोह किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005 को। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2002 में संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, पीआईएल का उद्गम देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए अमेरिका। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन का जो उद्गम देश है वो यूएसए है। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी ध्रुवपाल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने यह कहा था, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। सातवां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रवीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसको INA भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1940। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, किस कितने प्रकार के तत्व पृथ्वी पर लगभग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 100 प्रकार के, ऑप्शन बी 200 प्रकार के, ऑप्शन सी 300 प्रकार के और ऑप्शन डी 350 प्रकार के। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 100 प्रकार के पृथ्वी पर तत्व पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, पपीते में पीले रंग का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी कैरिका जैंथिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी कैरिका जैंथिन पपीते में पीले रंग का कारण होता है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन, किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B6 किसी भी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन, टिग्रिस नदी कहाँ पर गिरती है। ऑप्शन ए ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी बुथानिया की खाड़ी, ऑप्शन डी काला सागर में। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी फारस की खाड़ी में टिग्रिस नदी गिरती है। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन, फिंगर लेक कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो आपकी फिंगर लेक यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में। 15वां नंबर क्वेश्चन, किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है। किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन में किरुना लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी याकोहामा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी वेनिस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ओसाका जापान का एक शहर है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1947 में खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना हुई थी। 18वां नंबर क्वेश्चन, 1991 में बनी चेलैया समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए औद्योगिक सुधार से, ऑप्शन बी कर सुधार से, ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र सुधार से, ऑप्शन डी बैंकिंग से। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी कर सुधार से, कर सुधार के लिए 1991 में चेलैया समिति बनी थी। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन, आरबीआई को कितने रुपए की मुद्रा छापने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए 1,000 रुपये का नोट, ऑप्शन बी 5,000 रुपये तक का, ऑप्शन सी 10,000 रुपये तक का,
ऑप्शन डी 20,000 रुपये तक का। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको बताना है कि कितने रुपए तक के नोट छाप सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपए तक के नोट छापने का अधिकार प्राप्त है आरबीआई को, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन, मानव विकास को मान्यता किस पंचवर्षीय योजना में मिली? ऑप्शन ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव विकास को मान्यता 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिली थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज जीएस एंड जीके की, यूपी पीसीएस लोअर और आरओ एआरओ और सभी स्टेट लेवल पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्वेश्चनों का, क्योंकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, मेरे ही चैनल का नहीं, किसी भी चैनल जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं उस चीज़ के लिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें। और डेली 2 से 3 घंटा आप लोग केवल रिवीजन करें, या जिन लोगों को रटना अच्छा लगता हो रट भी सकते हैं, और रट ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा आप लोगों को। क्योंकि आदमी बाहर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं होता है, पढ़ी सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के कन्फ्यूज़न के चक्कर में पूरा पेपर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीज़न करने से ही अच्छी हो जाती हैं, और रिवीज़न करेंगे तभी चीज़ें पक्की होती हैं। तो इसलिए रिवीज़न ज़रूर से ज़रूर करते रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।